नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए पोर्शन में हमें दिया है 7/8 डिवाइड -4/3। हमें डिवाइड करना है, तो देखो 7/8 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो -3/4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × -3 माइनस का 21 अपॉन 8 × 4 = 32, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बी पोर्शन देखो, बी पोर्शन में हमें क्या दिया है, 2 and 1/3 डिवाइड 7/9 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 2 × 3 = 6, 6 + 1 = 7/3 डिवाइड 7/9। अब हम डिवाइड करेंगे, 7/3 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 9/7। देखो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 9 कट गया आपका 3/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ओके, नाउ सी पोर्शन में हमें दिया है -4/5 डिवाइड 31/32। ठीक है, सो -4/5 डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 32/31। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 के साथ कर दो, 4 × 2 = 8, 3 × 4 = 12 माइनस का, और नीचे 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 50, ये इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं डी। डी में हमें दिया है -48 डिवाइड -18/22। ओके, सो -48 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 22/18, माइनस से माइनस कट गया, 18 है वो 6 से कट जाएगा 3/10, और ये कटेगा आपका 6 × 8 = 48। मल्टीप्लाई कर दो 8 × 22 को और अपॉन में आपका 3। ठीक है, 8 × 2 = 16, 8 × 16 + 1 आपका 17/3। ओके गाइस, ये इसका आंसर आ गया और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग चेक दैट ए डिवाइड बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए। ठीक है, ए पोर्शन में हमें चेक करना है ए डिवाइड बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए। ठीक है, तो पहले हम ए डिवाइड बी को लेते हैं, सो ए डिवाइड बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, 2/5, फिर डिवाइड बी, बी की वैल्यू है 9/11। ठीक है, सो 2/5 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का, और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 11/9। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 11 = 22, 5 × 9 = 45। ठीक है, ये आपका आ गया ए डिवाइड बी। अब हम बी डिवाइड ए फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ बी डिवाइड ए इज इक्वल टू, बी क्या है, 9/11 डिवाइड ए 2/5। ठीक है, सो 9/11 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 5/2।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 5 जा 45 और 11 2 जा 22। ठीक है, तो देयरफॉर ये देखो यहां से ए डिवाइड बी कितना आ गया 22/45 और बी डिवाइड ए कितना आ गया 45/22। तो देयरफॉर ए डिवाइड बी नॉट इज इक्वल टू बी डिवाइड ए, यही हमें चेक करना था। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं, ठीक है, बी पोर्शन में हम पहले निकालेंगे ए डिवाइड बी। ओके, ए की वैल्यू क्या है, -5/7 डिवाइड बी 12/50। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, 5 माइनस का 5/7 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 15/12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, काटना चाहो तो काट सकते हैं, ये 3 से कट गया 5 टाइम और ये कट गया आपका 4 टाइम, 5 5 जा 25 और 7 4 जा 28। ठीक है, ये आपका a डिवाइड b आ गया। अब हम b डिवाइड a को लेते हैं, b डिवाइड a इज इक्वल टू b कितना है 12/15 डिवाइड a -5/7। अब इसको सोल्व कर लो, 12/15 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -7/5। देखो ये 3 से कट गया 4 टाइम, ये कट गया 5 टाइम, हमारे पास आ गया 4 × 7 -22/+25। ये आ गया a डिवाइड b और ये हमारे पास आ गया b डिवाइड a, दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। ठीक है गाइस, यही हमें चेक करना था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं, डिवाइड द सम ऑफ 3/4 एंड -4/7 बाय देयर डिफरेंस। ठीक है, तो पहले हम इसका सम फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ 3/4 एंड -4/7। ओके, सो 3/4 सम का मतलब एडिशन, -4/7। अब 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 28। 28 में 4 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 × 3 = 21, फिर प्लस 28 में 7 का डिवाइड 4 टाइम, 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 21 + −-16/28। ठीक है, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका 5 और अपॉन में 28, ये इनका सम आ गया। अब हमें इसका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस ऑफ 3/4 एंड -4/7। ओके, सो 3/4 --4/7। आप चाहो तो इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 7 का एलसीएम 28, डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 × 3 = 21, फिर प्लस 7 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 × 4 = 16, इसको ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 37/28। अब 5/28 में इसका डिवाइड करना है, ठीक है, नाउ 5/28 डिवाइड बाय 37/28। ठीक है, सो 5/28 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 28/37।
28 से 28 कट गया, हमारे पास आ गया 5/37, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें ट्रू और फॉल्स को वेरीफाई करना है। तो गाइस ए पोर्शन को लेते हैं और ए पोर्शन में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -12/13 डिवाइडेड बाय 7/9। अब इसको हम सोल्व करते हैं, -12/13 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 9/7। अब गाइस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 जा 108 माइनस का और 13 7 जा 91। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, 7/9 डिवाइड -12/30, ठीक है। सो 7/9 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का आएगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -13/12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91, 12 9 जा 108। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं, बी पोर्शन में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4/13 डिवाइड -11/12 और डिवाइड 1/3। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 4/13 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का आएगा और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -12/11 और डिवाइड 1/3। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48 और 13 को 11 के साथ करेंगे तो 143 और डिवाइड 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 48/-143 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का आएगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 3/1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 4 जा 12 और 2 14 माइनस का 1 × 143, तो आपका 143। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास 4/13 डिवाइडेड बाय -11/12 डिवाइडेड बाय 1/3। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे स्टूडेंट, 4/13 डिवाइडेड बाय -11/12 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का आएगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 3/1, ठीक है। 3 से कट गया, 12 4 10, तो 4/13 डिवाइड -11/4। अब इसको सोल्व कर लो, 4/13 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -4/11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 और अपॉन में 143। अब आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अब हम सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में हमें क्या दिया है, -5/6 इज डिवाइडेड बाय 0।
अब आपको ध्यान देना कि किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड देते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, दैट मीन्स इसके इक्वल आएगा नॉट डिफाइंड। जबकि आरएचएस में क्या दे रखा, माइनस फाइव अपॉन सिक्स, तो इक्वल नहीं हुआ, तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है गाइस, तो ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं इसका डी पोर्शन लेता हूं। देखो डी पोर्शन में हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/2 प्लस 1/7 डिवाइड 3/7। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 और 7 का एलसीएम लेंगे, 14 आ जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 14 में, 7 टाइम 7 इंटू 1 आपका 7, फिर प्लस 14 में 7 का डिवाइड 2 टाइम 2 इंटू 1 आपका 2 और डिवाइडेड बाय 3/7, 7 और 2 9/14 और डिवाइडेड बाय 3/7। अब इसको सोल्व करते हैं, 9/14 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का आएगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 7/3। देखो 7 से 14 कट गया 2 टाइम और ये कट गया आपका 3 टाइम, हमारे पास आ गया 3/2। ओके, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया है 1/2 डिवाइडेड बाई 3/7 और प्लस में 1/7 डिवाइडेड बाई 3/7। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 1/2 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 7/3। ठीक है, प्लस इसको सोल्व कर लो, 1/7 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 7/3। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 इंटू 7 आपका 7 अपॉन में 3 इंटू 2 6 प्लस 7 से 7 कट गया 1/3। नाउ टेकिंग एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो ये आ जाएगा 7 और प्लस में 2, हमारे पास आ गया 9/6 जो कि 3 से कट गया, ये कितने टाइम, 3 टाइम और ये आपका 2 टाइम। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 3/2, राइट हैंड साइड है 3/2, तो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके गाइस, अब हम ई पोर्शन को लेते हैं। ई पोर्शन की लेफ्ट हैंड साइड -7/8 डिवाइडेड बाय -7/8। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, -7/8 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -8/7, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया प्लस का 1 जो कि इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका, ट्रू। ठीक है गाइस, अब हम इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं, इसको आप आराम से नोट करें। देखो एफ पोर्शन में लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है 3/4 -1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। पहले इसका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3-1 और डिवाइड 1/2, 3-1 2 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से कट गया ये 2 टाइम, तो 1/2 डिवाइड 1/2। देखो सेम नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर आ गया 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है 3/4
डिवाइड 1/2 माइनस 1/4 डिवाइड 1/2। सोल्व करते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई का साइन, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 2/1, 2 से कट गया ये 2 टाइम, फिर माइनस 1/4 मल्टीप्लाई का साइन, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 2/1, ये भी कट गया 2 से 2 टाइम। देखो यहां क्या बच रहा है आपका, 3 2 इंटू 1 2 माइनस यहां बच गया 1/2, एलसीएम लेंगे हमारे पास आएगा 2, तो ऊपर आएगा आपका 3 माइनस 1, दैट इज ऊपर बच गया 2, नीचे भी 2, 2/2 आपका 1। आप चेक कर सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, बाय वोट नंबर सुडे -11/18 बी डिवाइडेड टू गेट 14/15। हमें बोला कि -11/80 में किस नंबर का डिवाइड करना चाहिए ताकि हमें 14/15 मिले। ठीक है, तो उस नंबर को हम x कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -11/18 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 14/15। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। -11/18 डिवाइड के साइन को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का आएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू 14/50। अब आपको ध्यान देना है, 1/x को इस साइड लेके आएंगे तो x बनेगा, और 14/15 को इस साइड लेके आएंगे तो ये बनेगा 15/40। ठीक है, तो -11/18 इनटू इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 15/14 इज इक्वल टू 1/x का इस साइड रेसिप्रोकल x। अब इसको सोल्व कर लो, 3 से कट गया ये आपका 6/10 और ये कट गया 5/10। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 11/5 = 55/14/6 = 84। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 13/14। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट 13/14 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -2/13 और उसमें से एक नंबर -2/13 है, फाइंड द अदर नंबर, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। सो लेट द अदर रेशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, दूसरे नंबर को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दो नंबर का प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक्स इंटू -2/13 किसके इक्वल होगा, 13/14 के। ठीक है, अब देखो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -2/13 को इस साइड ले आते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 13/14, इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मींस इनटू में आ जाएगा -13/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 13 × 13 माइनस का 169/14 = 28। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर अदर रेशनल नंबर इज इक्वल टू
माइनस 169/28। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। डिवाइड द सम ऑफ -5/8 and 3/7 बाय द डिफरेंस ऑफ -2/3 and -4/5। हमें क्या बोला है कि इसके सम में डिवाइड करना है इसके डिफरेंस का। ठीक है, तो पहले हम इसका सम करते हैं। सो सम ऑफ -5/8 and 3/7। ओके, सो -5/8 सम का मतलब प्लस, 3/7। नाउ टेकिंग एलसीएम, 8 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 56। 56 में 8 का डिवाइड 7 टाइम, 7 into -5 माइनस का 35। प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे। 56 में 7 का डिवाइड करेंगे 8 टाइम, 8 into 3 24। अब माइनस का 35 है, प्लस का 24 है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11/56। ये हमारे पास आ गया सम। अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सो डिफरेंस ऑफ -2/3 and -4/5। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सो -2/3 -4/5। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस। नाउ टेकिंग एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। अब 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 into -2 तो माइनस का 10। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 15 में 5 का डिवाइड 3 टाइम, 3 into 4 आपका 12। अब इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2/50। अब हमें डिवाइड करना है। सो नाउ -11/56 / 2/50। ओके, सो -11/56 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का आएगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 15/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस 11 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 165। 56 into 2 आपका होगा 112। ठीक है गाइस, तो ये इसका आंसर हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस गाइस, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स माइनस वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ दो पोर्शन दिए हैं, पहले ए पोर्शन को लेते हैं। ठीक है, देखो ए पोर्शन में सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई को फाइंड आउट करते हैं। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स क्या है आपके पास, -7, जिसको मैं -7/1 लिख सकता हूं। फिर प्लस वाई, वाई क्या है, -3/7। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 और 7 का एलसीएम आपका 7। 7 में 1 का डिवाइड 7 टाइम, 7 into -7 माइनस का 49, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस। 7 में 7 का डिवाइड 1 टाइम, 1 into 3 आपका 3। अब इसको सोल्व कर लो। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस का 52/7। अब हम एक्स माइनस वाई को फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स क्या है, माइनस का 7/1 लिख सकता हूं। फिर माइनस है तो माइनस, वाई की वैल्यू -3/7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा, सेम है माइनस का 49 प्लस का 3, तो हमारे पास आ गया माइनस का 46/7। अब हमें डिवाइड करना है
सो एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 52/7 और डिवाइड माइनस 46/7, 7 से 7 आपका कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अब हमारे पास बच गया 52/46। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखो इसको मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 26 और ये कितना हो जाएगा 23। ओके ये इसका आंसर आ गया। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई को फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, 4/5 प्लस वाई, वाई की वैल्यू है -4/5। अब देखो प्लस इनटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। नाउ टेकिंग एलसीएम, 5 5 है तो एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 4 -4, ठीक है गाइस। देखो 4 में से 4 गया आपका आ जाएगा 0 और अपॉन में 5, 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम लेते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है 4/5 माइनस माइनस 4/5। आप चाहो तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लो, आपके पास आएगा 5 तो ऊपर आ जाएगा 4 + 4, तो ये हो गया 4 + 4 8/5। ओके अब हमें डिवाइड करना है, एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स माइनस वाई। देखो एक्स प्लस वाई कितना है आपका 0 और अपॉन में डिवाइड करना है एक्स माइनस वाई का, दैट इज 8/5। फिर वही कंडीशन आ गई, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।